गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल मैक्स क्लासेस स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फ्रॉम द बुक आर एस अग्रवाल द चैप्टर नेम इज़ मीन मोड एंड मीडियन दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम द एक्सरसाइज एटीन ए एटीन ए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन है और ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर एट थर्टी फाइव पर मिल सकता है ओके एट थर्टी फाइव पेज पर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन नंबर वन इज़ दिस इफ द मीन ऑफ फाइव ऑब्जरवेशन फाइव ऑब्जरवेशन्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं ओके इज़ इलेवन मीन आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर इलेवन दिया हुआ है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ओके ये क्वेश्चन आपका सी बी एस टू थाउजेंड फोर्टीन में पूछा हुआ है सो तो यह क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए कि हमें इसे किस तरीके से सॉल्व करना है ओके okay? स्टूडेंट्स so सबसे पहले हम मीन का फॉर्मूला देख लेते हैं कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है ओके okay? तो मीन का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स या आपने नाइन्थ क्लास में भी स्टडी किया है मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ओके सम ऑफ ऑल होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओके ऑब्जर्वेशंस सो स्टूडेंट्स हमारे पास में ऑब्जर्वेशंस कितने दिए हैं फाइव ऑब्जर्वेशंस दिए हैं ओके तो मतलब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास में कितने हैं फाइव है ओके टोटल okay? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं हमारे पास में फाइव है लेकिन अब हमें क्या करना है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस भी निकालना है दैट मीन्स हमें जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसका सम करना है किस तरीके से करेंगे हम एक्स प्लस ये एक्स प्लस टू जितने भी ऑब्जर्वेशन है आपको उसको क्या करना है सम कर लेना है ऐड कर लेना है आपको ठीक है एक्स एक्स प्लस टू थर्ड ऑब्जर्वेशन था हमारा एक्स प्लस फोर फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारा एक्स प्लस सिक्स एंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है एक्स प्लस एट ओके एक्स प्लस एट ओके इसे एक काम करते हैं एक्स प्लस कर लेते हैं और एट में इधर प्लस में लगा देती हूँ ओके okay. आगे पीछे हम एडिशन कर सकते हैं ओके okay. सो so, यहाँ पे हमारे पास में क्या कैसा मिलेगा स्टूडेंट्स जब आप इसे जब एडप करेंगे तो आपके पास में ये मिलेगा ओके दिस इज द फॉर्मूला एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ये अलग एक्सप्रेशन मिलेगा क्योंकि ये तो हमें दिया हुआ था कहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट्स ये हमारा यहाँ पर दिया हुआ है ये हमने सॉल्व भी किया कि सभी ऑब्जर्वेशन को सम कर लिया डिवाइडेड बाई फाइव कर लिया ओके okay, तो यहाँ से हमारे पास में कितना आया एक्स ये एक्स प्लस ये टू एक्स थ्री एक्स ओके okay, इनको सबको सम, सम कर लिया फोर एक्स एंड फाइव एक्स तो टोटल कितना हो गया हमारे पास में फाइव एक्स हो गया और हमने बाकी जो नंबर्स थे उन्हें भी ऐड कर लिया फ़ोर प्लस टू प्लस सिक्स प्लस एट ओके गेट ट्वेंटी ट्वेंटी मिला आपके पास में और जो ये फाइव था ये हमने क्या किया ये यहाँ पर इलेवन से मल्टीप्लाई कर दिया ओके okay? तो so कितना हो जाएगा ये फिफ्टी फाइव हो जाएगा एलेवन फाइव दिफ्टी फाइव और ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा यहाँ से हम क्या करेंगे सिंपल एल्जेब्रा लगा के क्या करेंगे एक्स का वैल्यू सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हमने फाइव एक्स को यहीं रहने दिया और ट्वेंटी को क्या किया इधर सब्ट्रैक्शन में दे दिया ट्वेंटी को इधर सब्ट्रैक्शन में दे दिया तो कितना हो जाएगा फिफ्टी फाइव माइनस ट्वेंटी ओके तो फाइव एक्स इक्व टू थर्टी फाइव आया तो एक्स क्वेश्चन किया था थर्टी फाइव बाई फाइव तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास में सेवन आ गया है ओके सो दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन नाउ मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज एक्सरसाइज एटीन ए एटीन ए का क्वेश्चन एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे हैं और ये जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है आपको कौन से पेज पे मिलेगी ये आपको पेज नंबर एट थर्टी फाइव पर मिलेगी ओके पेज नंबर एट थर्टी फाइव पर मिलेगी नाउ स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री ओके क्वेश्चन नंबर थ्री और इसमें भी आपको क्या करना है मीन कैलकुलेट करना है कंप्यूट द मीन ये पूरी एक्सरसाइज में आपको मीन के क्वेश्चन मिलेंगे ओके सो तो, और फॉर्मूला भी हमें मीन का पता है ओके और ये क्वेश्चन आपको क्या सी बी एस ई टू थाउजेंड थर्टीन में भी पूछा हुआ है सो तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से बनना चाहिए अब हमें किस टाइप के क्वेश्चन दे दिए कि एक हमें टेबल दे दिए अब टेबल में हमें क्या दे दिया क्लास दे दिए कि वन से थ्री तक के जो नंबर्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी वो तो नंबर कितनी बार रिपीट हुए फ्रीकवेंसी में तो से नंबर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं ओके सो वन से लेकर थ्री तक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं ट्वेल्ल टाइम्स रिपीट हुए ट्वेल टाइम्स ओके ट्वेल्व टाइम्स रिपीट हुआ है थ्री से लेके फाइव तक के जो नंबर्स हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं स्टूडेंट्स ट्वेंटी टू टाइम्स रिपीट हो रहे हैं ट्वेंटी टू टाइम्स ओके इसी तरीके से ये जो फाइव से सेवन वन तक के नंबर है वो ट्वेंटी सेवन टाइम्स रिपीट हो रहा है सेवन से नाइन तक के नंबर नाइन्टीन टाइम्स रिपीट हुए ओके okay? तो हमें क्या करना है इस डेटा का यूज़ करके हमें मीन कैलकुलेट करना है तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हमने एक टेबल बनाया इसमें हमने सारी क्लास में मैंशन कर ली कि जो जो क्लास हमें दी हुई थी वो क्लास हमने मैंशन करी फ्रिकवेंसी हमने मैंशन कर ली ट्वेल्व ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेवन नाइनटीन ये सभी हमने क्या कर लिया मैंशन कर लिया ओके okay? अब मैंशन कर लिया फिर हमने क्या फ्रिक्वेंस सारी फ्रिकवेंसीज को एडअप कर लिया सारी फ्रिक्वेंसीज को हमने ऐड किया तो हमारे पास में कितना आया एटी आया इन सबको सम करेंगे आप ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी सेवन प्लस नाइन्टीन तो आपके पास में सम कितना आएगा एटी आएगा ओके नाउ स्टूडेंट्स हमने क्या किया क्लास मार्क निकाला अब क्लास मार्क किस तरीके से निकालते हैं मैं आपको बताती हूँ क्लास मार्क हम किस तरीके से निकालेंगे जो आपके पास में क्लास दी हुई जैसे है जैसे क्लास आप कौन सी दी हुई है वन से लेके थ्री तक क्लास दी हुई है तो हम क्या करेंगे इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे 3 1, okay? यह यह थ्री प्लस वन ओके क्या किया थ्री प्लस वन कर लिया और उसे डिवाइडेड बाई टू कर लिया तो थ्री प्लस वन इज़ फोर ओके फोर और फोर डिवाइडेड बाई टू तो इस तरीके से हम फोर डिवाइडेड बाई टू कितना टू तो आ जाएगा तो क्लास मार्क हमारे यहाँ पर कितना गया? तो आ गया टू आ गया ओके okay. इसी तरीके से हम आगे भी क्लास मार्क निकालेंगे कैसे निकालेंगे ये थ्री प्लस फाइव था तो थ्री प्लस फाइव एट कर लिया एट हो गया ऐड करेंगे तो एट मिलेगा एट डिवाइडेड बाय टू तो आपको मिल जाएगा फोर मिल जाएगा ओके okay. और फाइव प्लस सेवन किया ट्वेल्थ मिला ट्वेल्थ डिवाइडेड बाय टू किया तो सिक्स मिल जाएगा इसी तरीके से नाइन प्लस सेवन किया गेट सिक्सटीन और सिक्सटीन को जब आप टू से डिवाइड करेंगे यू विल गेट एट तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे क्लास मार्क निकाल लेते हैं okay? ओके अब हमें क्या करना है क्लास मार्क को हमने एक्स आई बोल दिया अब हमें सिंपली क्या करना है जो फ्रिक्वेंसी है और जो क्लास मार्क है उसका क्या करना है मल्टीप्लीकेशन कर देना है एफ़ आई एक्स आई निकाल देना है ओके एफ आई एक्स आई किस तरीके से निकालेंगे ट्वेल्व टू जर ट्वेंटी फोर ओके एंड ट्वेंटी टू फोर ज़र एटी एट ट्वेंटी सेवन इंटू सिक्स वन सिक्सटी टू नाइनटीन इंटू एट वन फिफ्टी टू और उन सब एड कर लेना तो एडिशन येट फोर ट्वेंटी सिक्स ओके यहाँ पर हमें इस तरीके से टेबल मिली थी ओके अब हमें क्या करना है किस किस का यूज़ करना है हमारा जो मीन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स जो मीन का फॉर्मूला होता है मीन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बार लगा के तो एक्स के ऊपर पर ने बार लगाया और उसका फॉर्मूला क्या होता है समीशन इसका इसका मीनिंग होता है समीशन मतलब कि सभी का एडिशन ओके एडिशन तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई होल अपॉन में एफ आई मतलब कि जो एफ आई एक्स आई जो हमने मल्टीप्लीकेशन किया था उन सभी का एडिशन ओके उसका एडिशन कितना था फोर ट्वेंटी सिक्स था और एफ आई का एडिशन कितना था एटी था तो फोर ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई एटी फोर ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई एटी जब हम करेंगे तो हमारे पास में जब इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट दिस सो दिस इज द रिक्वायर्ड मीन ऑफ द गिवन क्वेश्चन ओके इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नाउ स्टूडेंट्स मूव टू फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी मीन पे ही बेस्ड है ओके पूरी एक्सरसाइज आपकी मीन पे बेस्ड है तो हम इसमें मीन किस तरीके से निकालेंगे इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ट्वेंटी फोर अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या हुआ है आपको मीन दिया हुआ है मीन कितना दिया है ट्वेंटी फोर दिया हुआ है देन फाइन द वैल्यू ऑफ पी आपको क्या करना है पी का वैल्यू निकालना है पी का वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे स्टूडेंट्स ये हम देखेंगे सॉल्व जैसे कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ओके अब हमें इसमें भी क्या दिया हुआ है क्लास मार्क दी वा क्लास मार्क दिया हुआ है फ्रिक्वेंसीज भी दी हुई है फ्रिक्वेंसीज दी हुई है अब ये पी क्या है पी फ्रिक्वेंसी है और पी किसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी है ट्वेंटी और थर्टी वाली जो क्लास है आपकी उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है और उस फ्रिक्वेंसी को हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है और मीन इस क्वेश्चन का हमें दिया हुआ है क्या तो क्वेश्चन को एक बार रीड करें क्वेश्चन में हमें मीन कितना दिया हुआ है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर हमारे पास में मीन दिया हुआ है इसी मीन का यूज़ करेंगे हम फॉर्मुला वही अप्लाई करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया और सेम वे में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ओके okay? ये ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट सी बी एस ई में पूछा हुआ है यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं ओके सी बी एस ई में पूछा हुआ है तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे हमने वापस से वही इस टाइप से टेबल बनाया क्लास मार्क लिखा हमने ये क्लास मार्क लिखा फ्रिक्वेंसी लिया हमने फ्रिक्वेंसी लिखा क्लास ये क्लास मार्क लिखा हमने ओके okay? और ये एफ आई एक्स आई ये हमने चार मतलब कॉलम्स बनाए ओके फर्स्ट कॉलम है क्लास में हम जितनी भी क्लासेस हमें दी हुई थी हमने उस क्लास को मैंशन कर लिया देन हमने क्या किया फ्रिक्वेंसीज को मैंशन कर लिया थ्री फोर पी जितनी भी फ्रिक्वेंसीज थी सारी मैंशन कर ली यहाँ पर हमने ओके क्लास मार्क हमने निकाला अब क्लास मार्क वैसे ही निकालते जैसे मैंने अभी बताया था आपको जो भी गिवन क्लास दी हुई है उन दोनों का जो फर्स्ट नंबर है और जो लास्ट नंबर उनको ऐड करो और डिवाइडेड बाय टू कर देते ओके जैसे जीरो से टेन के बीच में जो हमें निकालना तो जीरो प्लस टेन करेंगे और डिवाइडेड बाई टू कर देंगे तो कितना मिल जाएगा टेन बाई टू दैट मीन्स फाइव क्या हो जाएगा आपका क्लास मार्क हो जाएगा तो ये फाइव आपका क्लास मार्क हो गया ओके okay. और इसी तरीके से हम क्या करेंगे टेन से ट्वेंटी के बीच में निकालना है तो टेन से ट्वेंटी के बीच में टेन प्लस ट्वेंटी करेंगे ओके okay? किस तरीके से करेंगे टेन प्लस ट्वेंटी किया तो आपको मिलेगा थर्टी और थर्टी को जब आप टू से डिवाइड करेंगे तो विल गेट फिफ्टीन ओके okay? तो ये फ़िफ्टीन मिल गया आपको उस तरीके से नेक्स्ट हमने ट्वेंटी प्लस थर्टी को आप समेंगे थर्टी प्लस ट्वेंटी फिफ्टी फिफ्टी डिवाइडेड बाई टू तो ट्वेंटी फाइव मिल गया थर्टी प्लस फोर्टी कितना हो जाएगा आपका सेवेंटी सेवेंटी बाई टू करेंगे तो आपको थर्टी फाइव मिल जाएगा इसी तरीके से हमने स्टूडेंट्स क्या किया जो क्लास के जो अपने जो नंबर्स दिए ने सिंपली ऐड किया और डिवाइडेड बाय टू कर लिया ओके तो इस तरीके से हमारे पास में क्लास मार्क मिल गई अब हम क्या करेंगे क्लास मार्क को हमने एक्स आई बोला था ओके तो सिंपली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे जो फ्रिक्वेंसी है और जो क्लास मार्क है उसका हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और एफ आई एक्स आई निकालेंगे दैट मीन्स हमें फाइव और थ्री का बीच में मल्टीप्लीकेशन करना है तो फाइव थ्री सा फिफ्टीन ओके फोर में फिफ्टीन का मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टीन फोरजा सिक्सटी ओके ट्वेंटी फाइव में पी का मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी फाइव पी मिल जाएगा थर्टी फाइव इंटू थ्री करेंगे यूल गेट वन जीरो फाइव फोर्टी फाइव इंटू टू करोगे तो नाइन्टी मिल जाएगा ओके नाउ स्टूडेंट्स अब हमारी टेबल तो बन गई है अब हमें क्या करना है सिम्पली एडिशन करना है अब एडिशन किस तरीके से करेंगे हमें सारी फ्रिक्वेंसीज को क्या करना है ऐड करना है ओके सभी फ्रिक्वेंसीज को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे सिंपली नॉर्मल आपको ऐड करना है जिस तरीके से हम नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते हैं उसी तरीके से आपको नंबर्स को ऐड करना है ओके सो स्टूडेंट्स किस तरीके से ऐड करेंगे यहाँ पे हमारे पास में थ्री था ये फोर है ये फाइव है ये थ्री है पी है और ये टू है ओके okay? तो फोर प्लस थ्री सेवन सेवन प्लस ये थ्री आपका कितना हो जाएगा टेन टेन प्लस टू ट्वेल्व और पी को आप अलग से ऐड करके लिख देंगे ट्वेल्व प्लस पी ओके तो यहाँ पे हमारे पास में जो फ्रिक्वेंसी आई है वो कितना आ गई ट्वेल्व प्लस पी आ गई ट्वेल्थ प्लस पी ओके दिस इज द समीशन ऑफ फ्रिक्वेंसी सारी फ्रिक्वेंसीज का क्या है ये सम है ओके okay, सम है नाउ स्टूडेंट्स हम एफ आई एक्स आई को ऐड करेंगे एफ आई एक्स आई को किस तरीके से ऐड करेंगे कि ये जो फिफ्टीन है फिफ्टीन प्लस सिक्सटी किया प्लस हमने वन ज़ीरो फाइव किया प्लस नाइन्टी किया जो पी वाली चीज़ है उसको हमने ऐड नहीं किया उसे लास्ट में ऐड करके लिख दिया सम करके ओके okay? सिंपली जो विदाउट पी नंबर से उन सबको ऐड कर दिया लाइक फिफ्टीन सिक्सटी वन जीरो फाइव और नाइन्टी इन सबका ऐड किया यू विल गेट टू सेवेंटी ओके टू सेवेंटी मिला प्लस करके हमने ट्वेंटी फ़ाइव पी को तो ऐड नहीं किया था तो लास्ट में हमने क्या किया इस ट्वेंटी फ़ाइव पी को हमने लास्ट में ये यह यहाँ पे लिख दिया एडिशन करके ओके सो तो हमारे पास में एफ आई एक्स आई का सम कितना मिला स्टूडेंट टू सेवेंटी प्लस ट्वेंटी फ़ाइव पी ओके वहीं इसे मैंने वापस से रिपीट कर रखा है ओके नेक्स्ट स्लाइड में वही सब सिंपल किया है हमने स्टूडेंट से फ्रिक्वेंसी का जो एडिशन था ये है एफ आई एक्स आई का एडिशन आपके पास में ये है अब हम सिंपली क्या करेंगे मीन का फॉर्मूला लगाएंगे मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई ओके होल अपॉन में समीशन एफ आई ओके अब हमें क्या करना है सिंपली ये जो टू सेवेंटी प्लस ट्वेंटी फाइव पी है डिवाइडेड बाय क्या करना है ये ट्वेल्व प्लस पी करना है ओके okay? किस तरीके से करेंगे फॉर्मूला हमने वही अप्लाई किया एक्स बार का ओके okay? जो मैंने एक्स बार का फॉर्मूला ये बताया था आपको यही फॉर्मला यहाँ पे अप्लाई किया अब हमें स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है उसमें आपको मीन दिया हुआ था मीन मीन वॉज ट्वेंटी फोर ओके मीन आपका ट्वेंटी फोर था तो मीन की जगह पर हमने क्या रख दिया ट्वेंटी फोर रख दिया और एफ आई एक्स आई का सम हमारे पास में ये था और एफ आई का सम हमारे पास में ये था ओके okay? अब हम क्या करेंगे सिंपली एलिजिब्रिकली सॉल्व कर लेंगे अब ये जो डिनोमिनेटर था इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन वगैरह ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेल्व प्लस पी हो गया ओके okay? और ये यह यहाँ पे आपका टू सेवेंटी प्लस ट्वेंटी फाइव पी चल ही रहा है साथ में ओके okay, अब सिंपली आप ट्वेंटी फोर को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट टू एट्टी एट एंड ट्वेंटी फोर को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो विलगेट ट्वेंटी फोर पी और ये आपका आर एच एस में सेम पार्ट चल रहा है अब हम क्या करेंगे जो पी पी वाले जो नंबर हैं उनको एक साथ एक्यूमलेट कर एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और जो विदाउट पी वाले नंबर उसको एक साथ इकट्ठा कर लेंगे ओके okay? तो ट्वेंटी फ़ाइव पी में से ट्वेंटी फोर पी गया और ये टू एट्टी एट में से हमने टू सेवेंटी को सब्ट्रैक्शन कर दिया सिंपल एलजिबरा है जो कि आप पहले भी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं तो इससे हमारे पास में पी का वैल्यू क्या निकल कर आएगा स्टूडेंट्स पी का वैल्यू हमारे पास में आएगा एटीन ओके सो जो रिक्वायर्ड जो फ्रीकवेंसी थी जो कि हमारे अननोन फ्रिक्वेंसी थी उसका वैल्यू कितना आया पी इज इक्वल्स टू एटीन इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ओके लास्ट टाइम भी ये सी बी एस ई में पूछा हुआ है सी बी एस ई टू थाउजेंड थर्टीन में पूछा हुआ है तो so, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ओके नाउ मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन ओके यहाँ पर भी नेक्स्ट में भी मैंने वही सब पुप्पी वाला एटिन वाला अगेन लेके रखा है स्लाइड ओके okay? आपके आपको अच्छे तरीके से समझ में पाए आप अच्छे से नोट डाउन कर पाए इसलिए ओके नाउ हो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टेन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज ओके एटीन ए एक्सरसाइज से ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर एट थर्टी फाइव पर मिल जाएंगे ओके पेज नंबर एट थर्टी फाइव आर एस अग्रवाल का जो लेटेस्ट एडिशन है टू थाउजेंड नाइनटीन का उसमें यह क्वेश्चन आपको ईजिली मिल जाएंगे ओके नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टेन क्या बोल रहा है हमारा कि इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फिफ्टी फोर ओके ये भी आपका पहले जैसा क्वेश्चन जैसा ये इसमें भी आपको मीन दिया हुआ है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इसमें भी हमें पी का वैल्यू निकालना है और मीन हमारे पास में एक्स बार का वैल्यू दिया हुआ है विच इज़ फिफ्टी फोर ओके नाउ स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है पहले देखना है कि क्वेश्चन कब पूछा हुआ है सी बी एस सी टू थाउजेंड सिक्स में पूछा हुआ है ओके दैट मींस इस टाइप के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं ओके okay? आपको अच्छे से इसे सॉल्व करना है अब हमने क्या दिया क्लास दिया हुआ था हमारे पास में फ्रिक्वेंसीज दिया हुआ है तो हमने एक टेबल बना लिया क्लास बनाया फ्रिक्वेंसी का टेबल बनाया और जो क्लास दी हुई थी वो क्लास मैंशन करी और जो फ्रिक्वेंसीज दी हुई थी सारी फ्रिक्वेंसीज़ को हमने मैंशन कर लिया क्लास मार्क किस तरीके से निकालते हैं मैंने आपको बताया जीरो प्लस ट्वेंटी ओके जिस फर्स्ट क्लास का निकाल के बताती हूँ मैं जीरो प्लस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू कितना हो जाएगा ये टेन हो जाएगा ओके तो क्लास मार्क आपका टेन आ गया अब ट्वेंटी प्लस फोर्टी कितना हो जाएगा सिक्सटी सिक्सटी बाई टू करोगे तो आपके पास में थर्टी आएगा हन ओके सिक्सटी बाई टू किया आपने तो थर्टी आ गया इसी तरीके से आप क्या करेंगे क्लास मार्क निकालते जाएंगे सिक्सटी प्लस फोर्टी कितना हो गया हंड्रेड हो गया हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू फिफ्टी हो गया एट्टी प्लस सिक्सटी किया आपने ओके तो जो भी आपके पास में सम आएगा वन फोटी आएगा वन फोटी डिवाइडेड बाई टू करोगे तो सेवेंटी आ गया इसी तरीके से आपने क्या किया पूरा क्लास मार्क का वैल्यू निकाल लिया अब हम सिंपली क्या करेंगे एफ आई में एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे ओके okay? मल्टीप्लीकेशन किया इसके में इसमें सबका सेवन so इंटू टेन करोगे गेट सेवेंटी पी इंटू थर्टी करोगे थर्टी पी टेन इंटू फिफ्टी करोगे गेट फाइव हंड्रेड नाइन इंटू सेवेंटी करोगे सिक्स थर्टी ओके थर्टीन इंटू नाइनटी किया तो वन वन सेवन जीरो ओके तो थर्टी पी ओके इस तरीके सिंपल आपने एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन कर दिया एंड फाइनली यू विल गेट दिस ओके अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूँ अब हमने क्या कि किया सिंपली एडिशन करना स्टार्ट किया पी वाले को हमें ऐड नहीं करना पी वाले को प्लस पी करके हम लास्ट में एड कर देंगे ओके okay? पी को छोड़ के जो नंबर्स हैं हमने उसको ऐड किया लाइक like सेवन को ऐड किया टेन को ऐड किया नाइन को ऐड किया और थर्टीन को ऐड किया ओके okay? थर्टीन प्लस नाइन प्लस टेन प्लस सेवन तो यू विल गेट थर्टी नाइन तो सम फाइनली के पास में एफ आई का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स थर्टी नाइन आ जाएगा तो थर्टी नाइन प्लस पी यहाँ कितना आ गया फ्रिक्वेंसी आ गई ओके समीशन ऑफ फ्रिक्वेंसीज नाउ एफ आई एक्स आई का सम करेंगे थर्टी पी है उसको हम लास्ट में स्टूडेंट्स ऐड करके लिख देंगे इस तरीके से ओके और जो बाकी जो रिमाइनिंग नंबर्स हैं उनका हम क्या करेंगे सम निकालेंगे लाइक सेवेंटी प्लस फाइव हंड्रेड प्लस सिक्स थर्टी प्लस वन वन सेवन जीरो इन सब का सम किया तो ये गए टू थ्री सेवन जीरो ओके इस तरीके से हमारे पास में नंबर्स मिले अब हम क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीन का अब मीन का स्टूडेंट्स पता है आपको ऑफ एफ आई एक्स आई एफ आई ओके okay. तो आपके पास में स्टूडेंट्स मीन कितना दिया था फिफ्टी फोर दिया हुआ था ओके okay. मीन आपके पास में फिफ्टी फोर ये दिया हुआ है क्वेश्चन में मीन वॉज फिफ़्टी फोर इसी मीन का हम यूज़ करेंगे हमें फिफ्टी फोर यहाँ पर लिखा एफ आई एक्स आई का सम आपके पास में टू थ्री ये आया था ओके टू थ्री सेवन जीरो प्लस थर्टी पी और एफ आई का समय ये आया था अब सिंपली वापस एल्जेब्रिकली सॉल्व किया थर्टी नाइन प्लस पी का अगर मल्टीप्लीकेशन किया एंड ऑल ओके तो ये फिफ्टी फोर में जब थर्टी नाइन का मल्टीप्लाई करेंगे तब मैं मिलेगा टू वन जीरो सिक्स और फिफ्टी फोर में पी का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यू विल गेट फिफ्टी फोर पी तो इसी तरीके से हम सिंपली क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और पी पी वाली जो जितनी भी वैल्यूज है उसे हम एक साथ इकट्ठा कर लेंगे फिफ्टी फोर पी में से थर्टी पी को सब ट्रैक किया है यह यहाँ पर टू टू सेवन जीरो में से टू वन जीरो सिक्स सब ट्रैक किया तो ट्वेंटी फोर पी जीरो टू सिक्सटी फोर तो, तो फाइनली पी का वैल्यू कितना निकल के आया स्टूडेंट्स यहाँ पर इलेवन ओके एलेवन वैल्यू निकल कर आया दैट मीन्स ये हमारे पास जो अननोन फ्रिक्वेंसी थी वो कितनी है इलेवन सो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर भी मैंने सेम स्लाइड यूज़ कर रखी है इसे आप अच्छे से नोट डाउन करने के लिए यूज़ में ले लें ओके okay, अच्छे से इसको सिस्टमेटिकली नोट डाउन कर ले क्वेश्चन को ताकि आपके पास में एक पूरा सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहे ओके सो स्टूडेंट्स दिस वॉज आर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉ ऑफ टू डेज लेक्चर ओके नाउ स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे बताएँ और आपको जिन भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं मैं उन क्वेश्चन को सोल्यूशंस को प्रोवाइड कराने की आपको बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगी स्टे कनेक्टेड विथ हर्ज थैंक यू वेरी मच